तो आजकल देश में सबसे ज्यादा इस चीज पर चर्चा हो रही है, इस चीज पर डिबेट हो रही है। अभी हाल के दिनों में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि जैसे हिंदुओं को तलाक के बाद महिलाओं को उनको गुजारा भत्ता मेंटेनेंस दिया जाता है उनके एक्स हस्बैंड के द्वारा, शौहर के द्वारा, उसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं को भी उसको गुजारा भत्ता, उनको जो मेंटेनेंस जो है उनको देना होगा। मतलब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना रुख साफ किया कि जो हमारे इस्लाम में जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि अगर तलाक किसी को दे दिया जाता है या तलाक कोई औरत अब खुद से ले लेती है तो सिर्फ 3 महीने तक ही, जब तक उनकी इद्दत खत्म ना हो जाए, वो 3 माह तक ही अपने शौहर से वो मेंटेनेंस के लिए वो लायक है, उसे वो ले सकती है, और वो शौहर, वो एक्स हस्बैंड, वो गुजारा भत्ता देने के काबिल है। तो ये 3 महीने का एक पीरियड बनाया गया है, उसके बाद से वो आज़ाद हो जाती है, वो अब किसी के साथ शादी कर ले या फिर वो अपने अपने भाई बहन के साथ या अपने मायके किसी के साथ वो रह ले, वो आज़ाद है। लेकिन उसको देखते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी दिया कि जिस तरीके से सब महिलाओं को अलग अलग धर्म में, जैसे हिंदू में के मेंटेनेंस जो दिया जाता है, उसी तरीके से मुस्लिम के अंदर भी अगर तलाकशुदा है तो उनको 3 महीने नहीं बल्कि परमानेंट के लिए वो, अगर वो चाहे तो कोर्ट में आकर के अपना मेंटेनेंस, अपना गुजारा भत्ता अपने एक्स हस्बैंड से वो ले सकती है। जिसको लेकर पूरे चर्चा अभी हर चैनलों पर डिबेट में आप देख रहे होंगे कि इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं लेकर के मुस्लिम के घर में झांकने की कोशिश जो की जा रही है, और जो टीवी चैनलों को एक जो मुद्दा मिल जाता है हर जगह टीवी पर, इसको लड़ाना उसको लड़ाना, आपके धर्म में क्या है, हमारे धर्म में क्या है, तो इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना, उन्होंने अपना कमेटी, जो वर्किंग कमेटी का मीटिंग किया, उसके बाद से इन्होंने ये निर्णय किया, फैसला लिया सब लोगों ने कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जैसे कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मेंटेनेंस को लेकर के, उसके अपोजिट उनको हम काउंटर करने के लिए कोर्ट हम जाएंगे, और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि हमें इस चीज़ को शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है कि हम 3 महीने से ज़्यादा हम मेंटेनेंस के लिए उसको हम दे सके, उस पर हम गुजारा भत्ता के लिए हमको वो कोर्ट में लेकर जाए। जिसको लेकर के बड़े बड़े उलमाए कराम ने इस पे फैसला दिया अपना, और मीडिया के सामने आकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी लोग हैं उन्होंने मीडिया के सामने भी बताने का काम किया कि हम लोगों ने यह फैसला किया है कि कानून के दायरे में रह करके कानूनी प्रक्रिया के साथ, क्योंकि जब भी कोई कानून आता है तो कुछ ना कुछ उनके लिए, आप काउंटर के लिए उनको उनको उनके लिए आप, अगर आपको नहीं मानना आपके खिलाफ है तो फिर आप दोबारा वो जाने का तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जा रही है, उसमें खुलकर ये साफ तौर कहा गया कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर से हम जाएंगे कोर्ट को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इससे जो फैसला जो दिया गया, इस फैसला को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे लिए ये फैसला जो है वो सही नहीं है, हमारे धर्म के हिसाब से ये सही नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा ऐसा बताया गया, इसलिए इसको वापस लिया जाए। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मीटिंग में ये फैसला लिया गया, और आगे किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा, कोर्ट के अंदर कैसे जाया जाएगा, क्या इस पे बहस होगी या नहीं होगी, वो आगे की बात है। लेकिन अगर हम टीवी चैनलों की बात करते हैं तो हर जगह यही हिंदू मुसलमान एक धर्म दूसरे धर्म ऐसा है, क्यों नहीं आप देना चाहते, अरे भाई दूसरे किसी धर्म के अंदर आप इतना दिलचस्पी क्यों लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने हिसाब से जिए, उनको अपने हिसाब से जीने दे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मशवरा किया कि ठीक है हम कानून के दायरे में रहकर जो हमें कानून इजाजत देती है जिस हिसाब से,
फिर हम जाने का कोशिश करेंगे, कानून के हिसाब से उसको हम कैसे इसको वापस लेने के लिए अनुरोध करेंगे, जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो भी है वो करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब मीडिया में जब बात आ जाती है तो ये कई दिनों तक इस पर डिबेट चलती है, और अगर डिबेट नहीं भी बनती है तो जबरदस्ती इधर से प्रवक्ता को उधर से प्रवक्ता को उठाकर लाया जाए, कि कोई मौलाना को उठाकर लाया जाए और इस पर डिबेट कराया जाए, शोर शराबा देश के अंदर कराया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब का मुद्दा आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, महंगाई कहाँ तक चला गया, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि ये करेंगे तो फिर पापा नाराज हो जाएंगे। तो इसको छोड़ करके मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान किसके धर्म में क्या है, किसके धर्म में क्या नहीं हो रहा, बस ये मुद्दा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो विद्वानों का काम है, वकीलों का काम है, वो फिर अपना जाएंगे, जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले को लेकर अपना रुख साफ कर दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि हम इसके लिए हम अपना अपील करेंगे। फिर इतना सवाल जवाब, इतना जो है दहशत एक फैलाने की क्या जरूरत है चैनल मीडिया को, कि एक तरीके से हर जगह वो जाकर, यहाँ तक के मीडिया में बता दिया गया